थोड़ा राम जो सावली सभी से अनुरोध है कि आप आइए निकल जाने के लिए भाई सहयोग करिए भैया टाटा आए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी भैया मीडिया को सहयोग दे दो माननीय जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी माननीय दयाशंकर बड़े बड़े निर्णय लिया है राज्य के अंदर और देश के अंदर भी। और पहले लाठियां चलती थी यूरिया पर, नीम कोटेड यूरिया हम लोगों ने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी, बाकी भी। लेकिन देखिए विपक्ष का अपना विचारधारा है, राज्य को लूटना है, राज्य में जब सरकार आएगी तो राज्य को लूटना है। और वो लोग का शासन जब जब आता है, कम्युनिस्टों का है चाहे इनका शासन हो, गुंडों को पनाह देते हैं, भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी और राज्य के अंदर योगी सरकार के अंदर जो लोग एके 47 और गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर योगी का बुलडोजर चलता है। सिमरत कौर है, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए लोग बिल वापस नहीं लेना चाहती, तो क्या लग रहा है कि देखिए जो किसान के हित में होगा सरकार वही निर्णय लेगी, जो किसान के हित में होगा। और किसान संगठन कई समर्थन में है, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पक्ष में खड़े हैं और बाकी भी चर्चा चल रही, सब लोग मानेंगे क्योंकि किसान का हित ही देखना ना। किसान का मार्केट वो कहीं अपना सेल कर सकता है, मंडी को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, MSP को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ समाप्त थोड़ा कर रहे हैं कि नहीं MSP मंडी हम समाप्त कर रहे हैं, सब चलता रहेगा। लेकिन किसान की स्वतंत्रता है, वह राजस्थान में भी बेच सकता है और मध्य प्रदेश में बेच सकता है, वह घर पर भी बेच सकता है, बिना भाड़ा दिए बेच सकता है, न मंडी का टैक्स देगा। सर आप कह रहे हैं कि किसान आपके समर्थन में, मनोहर लाल खट्टर की किसानों ने जनसभा नहीं होने दी, उनके सब गांव देखे जो विपक्ष वाले हैं अपना तो काम करेंगे, आप सपा को कहेंगे BJP में विलय हो जाए क्या, नहीं हो सकता है। तो विपक्ष का काम अपनी भूमिका के निर्वहन करना, लेकिन मैं भी तैयारी अपनी पूरी करता हूँ, संगठन तैयारी करता है, विपक्ष का काम है धरना प्रदर्शन, विपक्ष का काम है ना भाई। मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम में जो हरियाणा में हरियाणा में जाकर जिला परिषद यानी जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आज उसी की बैठक संपूर्ण राज्य के अंदर हमारे महामंत्री, संगठन प्रदेश के प्रभारी और सभी वरिष्ठ नेता निकले हैं, उसी में मेरे को फरुखाबाद आना था, हमें और दयाशंकर जी, तो आज हम फरुखाबाद आए बैठक लेने के। सिंबल देंगे क्या, सिंबल का क्या नहीं, सिंबल का अभी वह सरकार निर्णय लेते हैं, सिंबल का भी जैसे पहले चुनाव होता था उसी प्रकार चुनाव होगा, मैं प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ूंगा और संपूर्ण पार्टी उस प्रत्याशी को जिताने के लिए लगेगी। नियोजित परिवार और शैक्षिक योग्यता को लेकर के जो बात चल रही है, नहीं एक तय है कि किसी के पर जो पदाधिकारी है, जो विधायक सांसद है, ये तय हुआ है कि अभी नहीं देना है, लेकिन ये कोई रेखा भी नहीं है, लेकिन ऐसा पार्टी ने तय किया है कि किसी के परिवार को चुनाव नहीं लड़ना। नियोजित परिवार को लेकर के जो नियोजित मतलब नियोजित परिवार को लेकर शैक्षिक योग्यता लेकर नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, जैसा पहले था वही नियम है। सर आरक्षण के नियम को लेकर जैसे कि पिछली बार जब हुआ था तो क्या प्रक्रिया वही रहेगी कि कुछ जो नियम होगा सरकार अपना पालन करेगी, संगठन की तैयारी पूरी है, संगठन अपना चुनाव लड़ेगी, बाकी क्या करेगी सर मतलब वो उनका काम, हमारा कोई हस्तक्षेप संगठन का नहीं है, न आरक्षण में न पर्ची में, मतलब कुल मिलाकर सरकार जो निर्णय करेगी उसका 100% हम पालन करेंगे, संगठन की पूरी तैयारी है, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। BJP किसान आंदोलन को लेकर जो स्थितियां उससे कैसे निपट रहे हैं? किसान आंदोलन देखिए बातचीत चल रही है, सरकार है।